महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में बेजाबतगियों का इंकशाफ, 1.63 करोड़ से जायद रकम का रिकॉर्ड ही गायब, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके 1.5 अरब से जायद के अखराजात, 1.73 करोड़ की रकम अदा कर दी गई मगर अदवियात हासिल ही न की गई, स्टाफ को गैर कानूनी तौर पर 1.59 करोड़ रुपए की अदायगियाँ, ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मुलाजमीन मुतालिबात के लिए सड़कों पर, मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, पंजाब असेंबली के अतराफ सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, क्वींस रोड, टेंपल रोड और दीगर इलाकों में ट्रैफिक का निजाम मुतासर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रुपए की कदर में मामूली कमी, ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 11 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 175.75 रुपए का हो गया, ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए में फरोख्त। जहांगीर तरीन पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, तहरीक अदम एतमाद की बात के पीछे एहतसाब का खौफ है, तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि अपोजिशन के नंबर पूरे होने के दावे बेबुनियाद हैं, सियासी माहौल में मेल मुलाकातें होती रहती हैं, हुकूमत मुखालिफ जमातें मुल्क में इस्तेहकाम के खिलाफ हैं। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे और कोर्ट में जाएंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं मीडिया की, उन्होंने इसको रद्द किया है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी का पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहाद से खौफजदा हो चुकी है, अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुनज़म है, महंगाई से लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, पीटीआई का हर वादा झूठ निकला है, पीडीएम बनाने का आइडिया बिलावल भुट्टो का था। तब्दीली के नाम पे तबाही मुसल्लत की गई है और जमहूरियत के नाम पे जबर मुसल्लत किया गया है, पूरी कौम इनकी जान को रो रही है, लोगों की चीखें निकल गई हैं, बेशर्मों की तरह ये कीमतें बढ़ाते हैं, उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो कैसे ज़िंदा रह सकता है। ये इमरान खान ने पाकिस्तान को दिया है और दिया क्या इसके अलावा उन्होंने, तो वक्त आ गया है, लॉन्ग मार्च भी होंगे इंशाल्लाह ताला और हमसे बन पड़ा तो हम अदम एतमाद भी ज़रूर लेके आएंगे। पीका और इलेक्शन एक्ट के ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है, वक्त आ गया है, तहरीक अदम एतमाद ज़रूर लाएंगे, तब्दीली के नाम पर तबाही की गई, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया, हुकूमत का एजेंडा गवर्नेंस नहीं है, रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस में अदालत पेश। महकमा सेहत में मजीद 25,000 नौकरियां देंगे, पंजाब में 8 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाए जा रहे हैं, सेहत कार्ड रियासत मदीना की जानेब अहम कदम है, वजीर सेहत की मीडिया से गुफ्तगू, NA 125 में सेहत कार्ड तकसीम किए गए। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का लाहौर के स्कूल्स का दौरा, स्कूल्स में इंसाफ तरबीती प्रोग्राम के हवाले से जायजा लिया, वजीर तालीम कहते हैं इंसाफ स्किल्स प्रोग्राम का आगाज लाहौर के स्कूल से होगा, इंसाफ तरबीती प्रोग्राम का दायरेकार सूबा भर में वसी किया जाएगा। इंचार्ज CIA कोतवाली के खिलाफ इंदराज मुकदमा का मामला, हाईकोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस के हुक्म पर अमल दरामद के लिए दरखास्त पर समाअत, CCPO लाहौर अदालत में पेश, अदालत का फैयाज अहमद देव को खुद इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का केस, गिरफ्तार लीगी कारकुन की दरखास्त जमानत पर समाअत, अदालत ने FIA से 23 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। प्लास्टिक की नाकिस कुर्सियां बेचने वाले दुकानदार को 44,500 रुपए का हरजाना, सारिफ अदालत का बशीर एंड सन्स को हरजाने की रकम अदा करने का हुक्म, कुर्सियां घर लेकर आए बैठते ही अचानक टूट गई, दरखास्त गुजार का मौकिफ। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का मामला, साबिक BC डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ केस की समाअत, अदालत ने मुलजिमान की बरियत से मुतालिक मजीद दलाइल तलब कर लिए,
केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। नए दाखिले पहले और नया तालीमी साल बाद में शुरू होगा। स्कूल्स एजुकेशन ने भी हिकमत अमली तब्दील कर ली। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने दाखिलों के लिए खसूसी प्लान बना लिया। सीईओ एजुकेशन कहते हैं सरकारी स्कूल्स में दाखिलों का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। असातिज़ा की तरक्कियों के लिए महकमा एंटी करप्शन से क्लियरेंस मशरूत। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को खत लिख दिया। 150 के करीब असातिज़ा की रिपोर्ट तलब कर ली गई। पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर्स की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत का टेस्ट लाजमी। उम्मीदवारों की काबिलियत का टेस्ट मुतालिका डिविजन्स के तालीमी बोर्ड्स लेंगे। काबिलियत का टेस्ट लेने के हवाले से सूबाई वज़रा से तजवीज़ तलब कर ली गई। महकमा लाइफ स्टॉक में जानवरों के मौजी अमराज के कंट्रोल बारे इजलास। इजलास की सदारत सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नवीद हैदर शिराजी ने की। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नवीद हैदर शिराजी कहते हैं 2 से 3 साल में पंजाब को काटा के मरज से पाक कर दिया जाएगा। हिफाजती टीके तशखीसी सहूलियात मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में मां बोली रैली का इनेकाद। तालिबात ने पंजाबी जबान में नारे लगाए। शुरका का कहना है रैली का मकसद मां बोली की अहमियत उजागर करना है। और ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड्स जिमनास्टिक चैंपियनशिप लाहौर बोर्ड ने जीत ली। लाहौर बोर्ड की टीम ने 85 पॉइंट्स हासिल किए। चैंपियनशिप में तमाम बोर्ड्स के 80 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।